कहाँ जा रही हो? मम्मी अभी अभी स्कूल से मैसेज आया है कि स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं भेजना है, इसको कैजुअल पहना के भेजना है, क्योंकि राखी का सेलिब्रेशन है आज स्कूल में और इसकी राखी है कि अंदर रखी है, अंदर रखा है राखी इसमें अंदर। अच्छा इसमें आप बोलते तो कल ये राखी लेकर के आएगी अपने पापा के साथ, तो एक राखी लेकर के जानी है। ननू राखी कैसी है? बहुत अच्छी। पूरी प्रिपरेशन हो गई कि स्कूल यूनिफॉर्म पहना लिया, तब तक एकदम से मैसेज मैंने व्हाट्सएप चेक किया, देखा कि मैं अच्छा हुआ चले जाते तो फिर बिना मैसेज देखे चले जाते तो हो गया। हाँ सुबह पूछा भी था और डायरी में नहीं नोट किया, डायरी पहले से हर चीज वो नोट कर देती, ये वाला नहीं नोट किया, हो सकता कुछ हो गया। हेलो बोलो, हिंदी हम लगा दें। अभी मैं जा रही हूँ इसको स्कूल छोड़ने राखी के फंक्शन के लिए, और पीछे सब ऐसे में पूरा घर पड़ा हुआ है, और इसके पापा को बहुत जल्दी निकलना था, 7:30 बजे वो घर से निकल गए थे, तो छोड़ के नहीं जाएंगे, मुझे ही छोड़ के आना पड़ेगा। नन्नू आज ये वाली क्लिप लगाएंगे। कौन लाया था ये वाली क्लिप? कौन लाया था? चलिए चलिए मैं इसको फटाफट स्कूल छोड़ करके आती हूँ। सबसे बाय बाय बोल दो। चलिए मैं इसको जल्दी से स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोलने वाले थे। अभी मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी, आदत पड़ी हुई है ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग, टाइम हो रहा है 5:45। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या भूत बन के आप लोगों से बात कर रही हूँ और फेसबुक लगा के बात नहीं करनी चाहिए। देखिए सलाह कौन दे रहा है, फेसबुक लगा के जो खुद बात कर रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था, मैं जस्ट नहाने जा रही थी तो ये फेसबुक पूरा मेरा सूख चुका था, और जैसे ही मैं बाहर आई गर्मी में पसीना पसीना हो गया। और इसका जो एक डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, कौन सा फेसबुक है, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो चेक कर लेना, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले कि आप लोग पूछो कि आपने अपने चेहरे पे क्या लगाया, तो मेरा मशीन का पानी पूरा निकल गया है, निकल गया इधर इतना आना उधर ही जाना। अरे मेरे पाइप वैसे है ना नीचे से, पानी अंदर ना आ जाए सारा। एक दिन पता यही हो गया था, पूरी नदियां घर में बह रही थी। आज फाइनली जाना है चश्मा उठाने, 2-3 दिन से ऐसे टल रहा है, इनको काम में आ नहीं पा रहे। मैंने कहा मुझे फाइनली जाना है, मैं कुछ नहीं जानती, बस आ जाऊँ घर जल्दी से। कह रहे थे थोड़ी देर में आऊँगा, तैयार है ना। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आप लोगों से बात स्टार्ट करूँ, क्योंकि पूरा दिन हो गया, मॉर्निंग में ही थोड़ी सी करी थी, उसके बाद मैंने आप लोगों से बात ही नहीं करी। पूरा दिन सच में बहुत बेकार गया है, और बेकार दिन का व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। मैं कुछ भी लगाती हूँ, आप लोग पूछने लगते हो क्या लगाया क्या लगाया, तो मैं आज के बाद से
कुछ भी अपने वीडियो में जो भी प्रोडक्ट लगाऊंगी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगी। तो फिलहाल मैंने आज मैंने जो भी प्रोडक्ट लगाया है उन सारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के चेक कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या अप्लाई किया है। क्या बोल रही हो? जेब नहीं है? अरे कहाँ गई जेब? कहाँ रही आपकी? पॉकेट बोला करो, ठीक है? क्या बोला करो? हाँ जेब भी होती है और पॉकेट भी होती है, ठीक है? पहले बोलो जेब भी होती है और पॉकेट भी होती है, ठीक है? हाँ ये फ्लावर है, डिजाइन बनी। चलो आपकी फ्रॉक दिखा दे सबको अच्छे से। सो ये नन्नू की फ्रॉक, ये मेरी नन्नू की फ्रॉक। तो कैसे दिखाना है, है? क्या वहां पे जाओ, वहां पे दिखाओ जाके। चलो जाओ, कहाँ दिखाना है? जाओ जाओ गोदी पे। अच्छा गोदी पे। अब हमें समझ में आया। हाँ हम देर में समझ पाते हैं ना, हमें देर में समझ में आता है, अब समझ में आया। जी नहीं दिखाते, ठीक है? नन्नू आज स्कूल में राखी बांधी थी क्या आपने? किसको बांधी थी राखी? हाँ किसको बांधी थी आपने राखी स्कूल में? बच्चे थे। भैया को बोलो, भैया को क्या होता है? हाँ और इसकी फोटो भी मैम ने सेंड की है व्हाट्सएप पे, मैं आपको अभी मम्मी फोन लेके आती हूँ। तो ये नन्नू की फोटो। वाले रूम में, क्योंकि अभी मैं करने जा रही हूँ इधर वाले रूम की क्लीनिंग। सबसे पहले छुड़ाऊंगी जाले, तो ये जो टेडी वगैरह है बेडशीट है ये सब हटा के रख दूँ ताकि जो धूल मिट्टी जाले हैं वो छा ना जाए। उसके बाद करूंगी इस वाले रूम की क्लीनिंग। नानी के साथ सेब खा रही थी और इधर खेल रही है। इसके छोटे छोटे जो टॉय होते हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं बहुत गंदे लगते हैं, तो मैंने एक ऐसे ही गत्ते का डब्बा था उसमें करके इसके छोटे छोटे जो टॉय होते हैं वो रख दिए, तो ये एक जगह अच्छे से अरेंज होकर के रख गए। ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया था, ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने खाई थी नमकीन वाली जो सेवई होती हैं वो, और लंच हैवी बनाएंगे नहीं, कुछ देखते हैं तहरी वगैरह बना लेंगे क्योंकि क्लीनिंग जिस दिन होती है उस दिन ज्यादा हैवी लंच नहीं होती। सोना हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग। तब ये सही लग रही है मम्मी? हम क्लीनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी को पहले से बहुत ज्यादा आराम है और दवाई खाई थी उसके एक दिन बाद तो बहुत तबीयत खराब लग रही थी, उन्होंने कहा पता नहीं फायदा कर रही थी बट टचवुड फायदा कर रही, अब बहुत ज्यादा उनको आराम है। तो एक तरीके से 99% सही होगी ना, 1% रह गया सही होने। हाँ। तो काफी आराम हो गया है। हाँ कुछ हो जाता है तो सही नहीं है, आना सही नहीं है, डॉक्टर ने एकदम मना किया था, भीगने नहीं चाहिए छोटे इस चक्कर में। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट कर लेते हैं। Thank you.
तो मेरी हो चुकी है सारी क्लीनिंग और बाहर शबनम भी आ गई है, तो वो किचन में अभी बर्तन माँज रही है। और मेरा ना आप देख सकते हैं ये वाला पेड़ एकदम टूट चुका है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है इसका। ये यानी अगेन मैंने बागा बीच गोवा से लिया था, ये वाला लिया था और उसका टूटा वाला लिया था, एग्जैक्ट याद नहीं, बागा बीच से ही लिया था शायद, कि पता नहीं कहाँ से लिया था, बट गोवा से ही लिए थे दोनों पेड़। इनको भी मुझे अभी क्लीन करना है, अच्छे से वॉश करके ब्रश से ऐसे ऐसे कर देती तो क्लीन हो जाते हैं, गंदे कितने हो गए। तो ये वाला टूट गया है, कितने साल हो गए, 5 साल होने को भी तो आए हैं, जनवरी फरवरी, फरवरी लास्ट में हो जाएंगे 5 साल कंप्लीट। मेरे पास है एक ये एल्प्स गुडनेस का कोकोनट एंड शीका काई हेयर फॉल कंट्रोल हर्बल हेयर 200 ml, ये जैस्मीन शावर जेल है और ये भी 200 ml में है, और ये कैरेटीन स्मूदिंग शैम्पू है 200 ml, ये भी है, ये है फेस वॉश और फेस जेल आप कुछ भी बोल सकते हैं, और ये 100 ml में है। मेरे पास है दो ये एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इन एसेंशियल ऑयल की डिटेल मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से शेयर करूंगी कि आप क्या क्या बेनिफिट पा सकते हैं और इनके क्या क्या यूज हो सकते हैं, आप इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ये दो एसेंशियल ऑयल है मेरे पास, सारे ही एल्प्स गुडनेस के हैं, हर्बल प्रोडक्ट होते हैं इनके, और साथ ही साथ इस टाइम चल रहा है purple.com पर ऑफ, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट, ये ओनली 77 rupees का है आफ्टर डिस्काउंट और सारे ओनली 99 rupees में, तो आप देख सकते हैं 200 ml प्रोडक्ट आपको ओनली 99 rupees में मिल रहे हैं purple.com पे। तो अगर आप भी इन प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है आप लोगों से बात करने का, एंड आई एम रियली रियली सॉरी मैं इतनी देर से आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ
मेरे चश्मे, कल मैं चश्मा लेने गई थी ना शाम को, फिर मैं दिखा नहीं पाई और दिन में मैंने पुराना ही वाला चश्मा लगा के रखा था क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो जो नया चश्मा लगाती फिर वो खराब हो जाता धूल मिट्टी से, पहले दिन ही वो खराब हो जाता, तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो आज एक दिन और पुराना लगा लेती हूँ, फिर शाम को तसल्ली से जब नहा धो करके बैठूंगी तब आप लोगों को भी दिखा दूंगी और मैं पहनने लगूंगी। तो जो पहला चश्मा है वो है ये विदाउट फ्रेम वाला, और मुझे ना इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस वजह से मैंने इसको नहीं लगाया है। मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ, आप खुद देखना। ये देखो कुछ अजीब सा मुझे फील हो रहा है, या मुझे ही फील हो रहा है मुझे नहीं पता, कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था लगाने में ये चीज यहाँ से, तो मैं इसको दोबारा लेकर के जाऊंगी शॉप पे और दिखाऊंगी जाकर के, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। और मैं इसको लगाती हूँ ना तब मुझे चक्कर से भी आते हैं, सही से दिखता नहीं है, तो यही सारी चीजें मैं, तो मैं थोड़ी देर इसको लगा करके देखती हूँ सही होता है तो नहीं, वरना मैं इसको लेकर के जाऊंगी, अगर मेरे चक्कर आने बंद नहीं हुए तो मैं इसको लेकर के जाऊंगी बदलवा के लाऊंगी। तो ये है मेरा पहला चश्मा जो मुझे अभी पसंद नहीं है, तो मैं आप लोगों से क्या बोलूं कि कैसा लग रहा है, मुझे खुद अभी ये पसंद नहीं आ रहा है। जब मैंने बनवाया था ऑर्डर दिया था तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल, अब नहीं पसंद आ रहा। चलिए और सेकेंड जो चश्मा है ये बहुत बहुत अच्छा, ये देखिए। तो मैं अगर अपना बोलूं, अपनी तारीफ खुद अगर कर लूं, तो मुझे चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है और वो वाला नहीं अच्छा लग रहा मुझे, ये वाला उतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझसे शेयर करिएगा। ये जो मेरा पुराना वाला चश्मा है उसको मैं बोलती हूँ टाटा गुड बाय, तो उसको मैंने गुड बाय बोल दिया है और मैं उसको लगा लेती कभी कभी, बट अब सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इसका नंबर अलग है और वो वाले चश्मे का नंबर अलग है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सेम नंबर होता तो मैं कभी कभी उसको भी लगा सकती थी, ऐसा कुछ इशू नहीं था, वो खराब नहीं था किसी भी तरीके से, बट जब नंबर ही चेंज हो गया है तो उसको फाइनली गुड बाय तो बोलना बनता है। और बहुत लाइट वेट है उससे, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं चश्मा लगाए हुए। सो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया अपने चश्मे, पूरे दिन की मतलब क्या बोलूं, पूरे दिन के काम के बाद, पूरा दिन बिजी रहने के बाद अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है जो मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। मैं अभी गई थी, राखी लेकर के आई हूँ और कोई और आया है मेरे घर में, वो कौन आया है मैं आपको कल के ब्लॉग में मिलवाऊंगी कौन है। चलिए